जब भी चुनाव आते हैं वोटर लिस्ट से मतदाताओं के नाम बड़े पैमाने पर गायब होने की खबरें आती हैं। इलेक्शन कमीशन पर भी आरोप लगते हैं कि आयोग सही तरह से इन मामलों की जांच पड़ताल नहीं करता है और लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। इस बार भी लोकसभा चुनावों से ठीक पहले सेंटर फॉर रिसर्च एंड डिबेट्स इन डेवलपमेंट पॉलिसी के आंकड़ों के अनुसार देश भर में 3 करोड़ से अधिक मुस्लिम मतदाता और 4 करोड़ से अधिक दलित मतदाताओं के नाम सूची से गायब हैं। CRDDP और उसके सहयोगियों ने लोकसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची में ऐसे लापता मतदाताओं को शामिल करने के लिए एक देशव्यापी अभियान भी शुरू किया है। वहीं मिसिंग वोटर ऐप के संस्थापक और हैदराबाद स्थित रिलैप्स के CEO खालिद सैफुल्ला ने भी अपनी स्टडी और एनालिसिस के दौरान बताया कि 12.7 करोड़ मुस्लिम वोटर्स में से 3 करोड़ मुस्लिम वोटर्स मई 2019 के लोकसभा चुनावों में मतदान नहीं कर पाएंगे। यही स्थिति दलित मतदाताओं के साथ भी है और तकरीबन 20 करोड़ दलित मतदाताओं में से 4 करोड़ दलित सूची से गायब हैं। उनके अनुसार वोटर लिस्ट से लगातार कुछ समुदाय विशेष के लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। CRDDP के साथ साथ US इंडिया पॉलिसी इंस्टीट्यूट भी दावा कर रहे हैं कि उनके पास ये साबित करने के लिए सबूत है कि करीब 12 करोड़ से अधिक मतदाता वोट नहीं डाल पाएंगे। इस मुद्दे पर लोगों को जागरूक करने के लिए CRDDP ने मिशन 2019 नो वोटर्स लेफ्ट बिहाइंड कैंपेन भी शुरू किया है। सभी मतदाताओं के मतदान के अधिकार बहाली के लिए इन संगठनों के वॉलंटियर्स ने एंड्रॉइड और iOS प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध मिसिंग वोटर्स ऐप से काम शुरू कर दिया है। इस ऐप में पोलिंग बूथ, सड़क के नाम और लापता मतदाताओं के घर की संख्या का विवरण है। उपयोगकर्ता ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, घर घर जा सकते हैं और नए मतदाताओं को दाखिला दे सकते हैं। हमारे वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।